अस्सलाम वालेकुम साथियों, 2 मिनट रेसिपी के साथ हाजिर हैं जिसमें कि हम आपको कोरमा बनाना सिखलाएंगे। इसके लिए हमने ये अशिया ली हैं, जिसमें सबसे पहले 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/3 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड्स। फिर योगर्ट लिया है 3/4 कप, क्योड़ा वाटर लिया है, 1 पिंच ऑफ सैफ्रॉन, 3 to 4 बे लीव्स, 1.5 इंच की सिनेमन, 2 ब्लैक कार्डमम, 8 to 10 ग्रीन कार्डमम, 1/2 टीस्पून फुल होल ब्लैक पेपर और 1 छुहारा लिया है यानी कि ड्राई डेट। आलमंड लिए हैं 10 to 15, 1 होल गार्लिक, 1 इंच की जिंजर और 2 मीडियम टू लार्ज साइज के अनियंस। और ये हमारी चिकन है जो कि 1/4 किलो की होगी। अनियन को थिनली स्लाइस किया और इसमें 3/4 कप जो है वो हमने कुकिंग ऑयल का डाल दिया। आलमंड्स को हमने माइक्रोवेव में रखना है पानी में डाल के 4 मिनट के लिए, फिर हम इनको पील कर लेंगे। ग्राइंडर में हमने 1 घूंट पानी डाला है और इसमें जिंजर और गार्लिक पीस लेना है। 3 हिस्से आप अनियंस के निकाल लें, फैला लें। बाकी के अनियंस में हमने चिकन डाल दी और जिंजर और गार्लिक जो पीसा था वो डाल दिया। ग्राइंडर में हमने थोड़ा सा योगर्ट डाला और उसमें हमने अनियंस को पीस लिया। पकने दें चिकन को यहाँ तक के ऊपर से तली जाए, फिर आप इसमें सारे मसाला जात जो है वो डाल लें। और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि इसका ऑयल जो है वो बिल्कुल अलग हो गया है, चिकन जो है वो बिल्कुल गल चुकी है। अब जो हमने अनियंस पीसे थे थोड़े से दही में डाल के, वो बाकी के योगर्ट में मिला लेने हैं। छील कर हमने बादाम जो है वो कोरमे में डाल दिए और फिर हमने इसमें योगर्ट डाल दिया जिसमें कि हमने अनियंस मिला रखे थे। तो जैसे ही आप इसमें योगर्ट डालेंगे आप फौरन ही देखेंगे कि इसकी शक्ल जो है वो बिल्कुल कोरमे की सी हो जाएगी, जैसी कि हमने सारी जिंदगी देखी हुई है। 1/2 टीस्पून हमने इसमें क्योड़ा वाटर डाला है। अब जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो देख लें, अगर वो बिल्कुल कोरमे की तरह की नहीं है, थोड़ा सा रनी नहीं है, तो आप इसमें 1 घूंट पानी डाल लें और उबाला दिलवा लें। तो ये तो थी हमारी रेसिपी। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।